हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है मेरा नाम है खुर्रम। वजह तो है। ऋषि जी ने अप्सरा को वो श्राप दे दिया क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या भंग की है। तो स्टार्ट। किंतु प्रभु, कुंजिक स्थला तो बहुत ही शांत स्वभाव की अप्सरा थी। लेकिन वही बात है, तपस्या तो भंग हुई उसके ना। मन में इतनी चंचलता कैसे उत्पन्न हो गई? बस उनको वो नजर आया था तो चंचलता आई नहीं, कुंजिक स्थला के मन को चंचल कर दिया गया। किसने कर दिया प्रभु? लीला, मेरी योग माया, जिसे लोग महामाया या पराशक्ति भी कहते हैं। किंतु योग माया ने ऐसा क्यों किया प्राणनाथ? यानी के जब जब संसार में मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तब तब योग माया मनुष्यों के मन को विचलित कर देती है। यानी कि हनुमान जी को उन अप्सरा का पुत्र करार देना था। मत्स्य गंधा को देखकर यदि महर्षि पराशर का मन विचलित ना होता तो महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हो पाता? वो फिर कैसे जन्म लेते? और यदि महर्षि वेदव्यास का जन्म ना हो पाता तो द्वापर में वेदों का उद्धार करके उनका विभाजन कौन करता? महाभारत और श्रीमद् भगवत की रचना कौन करता? ये कहानी महाभारत के बाद की है ना, ये जो सुना रहे हैं कि वो भी तो ऐसे मेरा ही एक अवतार है। आए हाय, वाह क्या। इसी प्रकार माता कैकेयी, माता कैकेयी वो तो श्री राम को भरत के समान ही प्रेम करती थी। यदि उनका मन विचलित ना होता तो श्री राम को वनवास कैसे मिलता? और यदि श्री राम मन को ना जाते तो ना सीता हरण होता और ना ही रावण का वध हो पाता। क्या कह रहे हैं? श्री राम चंद्र की वनवास करता था, इसलिए हनुमान के जन्म की स्थितियां बनाने के लिए पराशक्ति ने ही देव गुरु बृहस्पति के मुख से पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया और तपस्या कर रहे मुनि के मुख से ऐसा श्राप दे डाला। यही तो मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतने वर्षों तक मौन रहने के पश्चात मेरी वाणी से जो वचन निकले वो मिथ्या नहीं हो सकते। मैं चाहकर भी इसे वापस नहीं ले सकता। इसमें न कुछ दोष तुम्हारा है और न कुछ मेरा, मतलब कुछ न कुछ इनका, न कुछ इनका। भगवान की प्रेरणा से ही ऐसा ये हुआ भगवान है। कृष्णा जी ने तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा इनके उसके कुछ और तुम स्वर्ग को लौट सकोगी। मतलब अभी ये पृथ्वी पे ही रहेंगे क्योंकि वाली बात है अप्सरा को नहीं देखी जिसका इनको अभिष्कार। ठीक ही तो है, कुंजिक स्थला जैसी शिव भक्त, गुरु भक्त और नृत्य संगीत विशारदी हनुमान की जननी हो सकती थी। उनके बहुत अच्छी थी। हाँ, तभी तो कुंजिक स्थला के ये सारे सद्गुण हनुमान को भी प्राप्त हुए। तो क्या हनुमान की संगीत में भी सिद्धि है? राम भक्त हनुमान जब गाते हैं तो वो अपनी शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते हैं। हनुमान जब गाते हैं तो वो हनुमान नहीं रहते, स्वयं गीत हो जाते हैं। उनके गायन से जुड़ा एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है, सुनाइए ना मुरलीधर। हनुमान की संगीत प्रतिभा की बातें जब देव गंधर्व नारद ने सुनी तो उन्होंने हनुमान को गायन प्रतियोगिता की चुनौती दे डाली। देव मुनि नारद तो संगीत शास्त्र के महापंडित थे और उनके आगे तो गंधर्व भी कहीं नहीं ठहरते। नारद जी के सामने तो फिर क्या हुआ स्वामी, कौन जीता? धीरज रखो प्रियतमा, तब बताता हूँ। नारायण नारायण,
और जब मैंने गायन आरंभ किया तो मेनका, रंबा और उर्वशी स्वयं को रोक ना सके। सारी अप्सराएं एक साथ महादेव, क्या दृश्य था। पूरा इंद्रलोक तेरे संगीत से झूम उठा था। आप भी वहां होते तो बड़ा आनंद आता। उस भोग विलास के संसार में मेरे जैसे विरागी का क्या काम देव देव, किंतु भाग्य से आप यहां चले आए। आज आप कैलाश को अपने सुर में रंग दें तो कैसा रहे। आप तो जानते ही हैं महादेव कि मैं तो हर पल जब ब्रह्म में लीन रहता हूं, पर स्वर्ग लोक जैसी दिव्य संगत भी तो होनी चाहिए, तब आनंद आएगा। यदि ऐसा है तो राम दूत हनुमान को बुला लेते हैं। आप ही की तरह वे भी भगवान के अनन्य भक्त हैं और उत्तम कोटि के संगीतज्ञ भी। हनुमान संगीतज्ञ? वो तो थोड़ा बहुत हड़ताल मंजीरा बजा लेते हैं, इससे अधिक तो कुछ और नहीं। नहीं नारद, बजरंग बली बड़े मर्मज्ञ हैं। वो जब गाते हैं तो कुछ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। क्या आप उन्हें नहीं बड़ा गायक मानते हैं कि वो मेरे साथ संगत कर सके? तो बुला लीजिए उन्हें आज कैलाश में, क्योंकि वो सबका मेरी और उनकी प्रतियोगिता हो ही जाए। अवश्य देवर्षि, जब वो गाते हैं तो सब खींचे जाते हैं। भुजंग भूषण भगवान शशि शेखर और जगत जननी माता भवानी के चरणों में राम भक्त हनुमान का प्रणाम। सदा रहो रघुपति के दासा। प्रणाम मुनिवर। प्रिय आंजनेय, आज कैलाश आपके संगीत को सुनना चाहता है, आपके गीतों को गुनना चाहता है। देखिए संगीत शिरोमणि नारद जी भी यहाँ पर, यानी कि नारमोनि जी वैसे भगवान वे भी आपके साथ सुर मिलाने के इच्छुक हैं। कहाँ नारद जी का गीत संगीत। कुछ कर रहे हाँ। भगवान नटराज और कहाँ मैं। संगीत के नाम पर तो बस कुछ खड़ताल मंजीरा खड़का लेता हूँ। नारद जी वाली बातें गा रहे हैं। गीत के नाम पे केवल अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता हूँ। उसी रस के तो हम भी प्यासे हैं हनुमान। क्या ये भक्ष रहा खुद उस रस के प्यासे हैं भाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। ये आपका संग बिजली है ओए। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। क्या हुआ।
राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम दशरथ नंदन राजा राम असुर निकंदन सीता राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम जय जय बड़े भाग होंगे भाई उसी में तो वही गाने ओए 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 मन मुनि जी अभी तक के मुकाते और सारा पानी आ गया और वो जम भी गया है यार और फिर जम भी गया इनके मतलब जैसे उन्होंने बंद किया है ना संगीत तो बंद हो गया वो जम गया राम राम जय राधा नाम क्या मस्त है यार सीताराम राम राम जय राधा नाम राम राम जय सीताराम ओए यार क्या मिठास थी हो राम यार मैं कसम से मुझसे ज्यादा तो मुतासर तू हुआ यार मुझे इतना नहीं वर्ड में मैं मदहोश हुआ था लेकिन तुझे तो याद भी हो गए अपना क्रेडिट मुझ पे ना कर तू ज्यादा खोया हुआ था यार वो तो मैं खोया हुआ था वाक्य में यार ये देखो अपना क्रेडिट मुझ पे डाल रहा दोनों ही खोए हुए थे यार वाक्य वाक्य में कोई शक मजा आ गया यार लेकिन नारद मुनि जी भी खो गए थे वो भी यूं लगे रहे और उनको पता ही नहीं नीचे क्या हुआ क्या नहीं सारा पानी है वो जम भी गया भगवान शिव जी और ने भाई साहब ऋषि जी ने श्राप दिया उनका ये श्राप मेरे मुंह से जानबूझ निकला इसमें कोई भगवान जी की है जिसकी वजह से ये मेरा श्राप मेरे मुंह से निकला भाई ये भगवान कृष्ण जी ने कहा है ना यार उनकी लीला है ना खुरम उन्होंने जो लीला रची है उन्होंने लीला रची माता जी नीचे गई उनको रोशनी नजर आई उन्होंने वहां पर छिड़कानी और भगवान राम ने भी वनवास काटा है माता सीता का हरण हुआ था तभी तो भाई रावण मरा था अब ये तो क्या आगे स्टोरी है ये तो आगे खुल के आएगी जिस तरह अभी भगवान कृष्ण जी स्टोरी सुना बिल्कुल अब आगे देखते होते क्या तो